आखिरकार आ ही गई 6 तारीख और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के पुत्र बागली एवं हाटपिपली विधानसभा से पूर्व विधायक शिक्षा मंत्री दीपक जोशी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। 2 दिन के लगातार गर्मजोशी के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और केंद्र की लाखों कोशिशों के बाद दीपक जोशी ने कमलनाथ के नेतृत्व में अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस सदस्यता ग्रहण कर ली। बहन मंजू जोशी ने तिलक लगाकर विजय होने का आशीर्वाद दिया। दीपक जोशी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अपने मार्ग से भटक गई है और यहाँ तक कि जोशी ने भाजपा के भ्रष्टाचार संबंधित कारनामों को भी बताया। वहीं टिकट के संबंध में कहा कि यदि कांग्रेस मुझे टिकट देती है तो मैं बुधनी से टिकट लूंगा। मेरे पास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हराने का मास्टर प्लान है। दीपक जोशी का राजनीतिक करियर देखा जाए तो उन्होंने कॉलेज से राजनीतिक जीवन में कदम रखा था। सामान्य सीट से लगातार 2 बार विधायक बने। हाटपिपलिया में अपना वर्चस्व कायम किया।